झाड़ग्राम में एक हाथी के हमले में और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह झाड़ग्राम ब्लॉक के अंधारीशोल गांव में हाथी के हमले में खगेन पात्र नामक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके में हाथियों के हमले का डर फैल गया है। हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर पाकर झाड़ग्राम पुलिस और वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। झाड़ग्राम थाने के पुलिस जब शव को बरामद करने गई तो ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाने दिया और पुलिस और वन विभाग का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक वन मंत्री मौके पर नहीं आएंगे तब तक ये शव नहीं उठाने देंगे। बता दें कि महज 6 दिनों में झाड़ग्राम में हाथी के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही एक गर्भवती मादा हाथी की भी मौत हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है। उल्लेखनीय है कि पिछले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन झाड़ग्राम शहर के सत्यवान पल्ली इलाके में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस दिन झाड़ग्राम शहर के राज कॉलेज से सटे इलाके में 5 हाथी घुस आए थे। हाथियों के दल को स्थानांतरित करने के लिए वन विभाग हुला टीम के सदस्यों को लाया गया। हुला टीम द्वारा फेंकी गई गर्म लोहे की छड़ एक गर्भवती मादा हाथी के पीठ में फंस गई। परिणाम स्वरूप मादा हाथी बीमार पड़ गया। शुक्रवार 16 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। इधर झाड़ग्राम ब्लॉक के पशरो गांव निवासी चंदू खिलाड़ी नामक व्यक्ति शनिवार 17 अगस्त को हाथी के हमले में मौत हो गई थी। यही कारण है कि झाड़ग्राम जिले भर में हाथियों के हमले और हाथियों की मौत की घटनाओं से वन विभाग के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह झाड़ग्राम ब्लॉक के अंधारीशोल गांव में हाथी के हमले में खगेन पात्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग हमले में बाल बाल बच गए। इसलिए ग्रामीणों ने शव को रख प्रदर्शन शुरू कर दिया। সকাল থেকেই তো মৃতদেহ আটকে রাখা হয়েছে, কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? কমিটির সঙ্গে আলোচনা করছে। কমিটি বলছে যে হাতিটিকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হাতির থানায় মৃত্যু হয়েছে, সেই হাতিকে আপনারা অতি শীঘ্র ব্যবস্থা নিয়ে এখান থেকে সরিয়ে ফেলবেন। আপনারা কি ব্যবস্থা নেবেন? আমাদের যেরকম যা নর্মাল ব্যবস্থা থাকে যে হাতিকে এখান থেকে লোক দিয়ে সরিয়ে দাও। কীরকমভাবে কী সমস্যা হয়েছে? এখানে সমস্যা হয়েছে বলতে সকালবেলা ওনারা জমিনে যাওয়ার সময় কিছু বুঝার আগেই হাতি গ্রামের দিক থেকে বেরিয়ে চলে গেছিলো জমিনের দিকে। আমরা ভেবেছিলাম যে জঙ্গলে চলে গেছে, তো জঙ্গলে না গিয়ে হাতিটা আবার রিটার্ন ঘুরে আসছে। এনারা জমিনে যাচ্ছিলো, জমিনে যেহেতু কাজ চলছে এখন, জমিনের কাজের জন্য যাচ্ছিলো। ওর স্ত্রীর সাথে দুজনেই যাচ্ছিলো, ওর স্ত্রী পিছনে ছিল এবং ও আগে ছিল। তো ও কিছু বুঝতে মানে পারার আগেই হাতি ওর সামনে চলে এসে ওকে ধরে ফেলেছে, ধরে ফেলে পুরা বুকে পা। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।